In class 9th, students, we are on chapter number 1, the story of village Palampur, and this topic is related to our economics portion, and we have started and done few topics about this chapter. In the previous class, we have done organization of production, farming in Palampur, land is fixed, is there a way one can grow more from the same land? And in this class, we have done also the kharif and rabi crops, the classifications also, and the examples also. And we have also done the Green Revolution, Swaminathan, Dr. Swaminathan, hum logon ne pura pad liya tha, what is Green Revolution, Dr. M.S. Swaminathan, jo ki father of Green Revolution, jinhe kaha jata hai. सो ये सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद टुडे वी विल डिस्कस विल द लैंड सस्टेन. सो हम लोगों ने ये देख लिया था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ रही है, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर. इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज़, मीन्स पुराने ज़माने की जो वेराइटी, पुराने ज़माने में जिस तरीके से खुदाई करके जोत के सीड्स को ग्रो करके उगाए जा रहे हैं यहाँ पर 1300 kg पर हेक्टेयर. बट HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी वाली सीड्स को की हेल्प से अगर हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो वो कितनी क्वांटिटी बढ़ गई, 3200 kg पर हेक्टेयर. तो यहाँ पर क्वांटिटी बिल्कुल डबल ट्रिपल हो जा रही है. सो हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से लैंड पर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है. नो, सो लेट्स स्टार्ट. लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज़. सो लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, हमें नेचर से मिली है, तो हमें सब उसका जो ख्याल है, उसका जो जो ज़रूरत है हमारी, अगर लैंड से पूरी हो रही तो बहुत ही ध्यान से हमें वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए. Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resource base. So scientific reports कहती हैं कि आजकल के जो methods हैं, हम लोग pesticides use कर रहे हैं, fertilizers use कर रहे हैं, हम लोग seeds, HYV seeds use कर रहे हैं, तो ये क्या है, हम लोग चाहते हैं कि ज़मीन से ज़्यादा हम लोग जो agriculture है, जो crops हैं वो उगा सकें. सो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ओवर यूज़ कर रहे हैं लैंड का, जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है. नाउ सेकंड पैराग्राफ, इन मेनी एरियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. सो हम लोगों ने देखा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो पैदावार है, जो क्वांटिटी है जो क्वांटिटी है क्रॉप्स की, वो तो बढ़ रही है, बट केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, मतलब जो मिट्टी की गुणवत्ता है, वो कहीं ना कहीं खोती जा रही है, कम होती जा रही है. Also, continuous use of groundwater for tube well irrigation has reduced the water level, water table below the ground. Now, इस line को हम एक next slide से समझेंगे. ये ग्राउंड वाटर है, पहले ग्राउंड वाटर आपका यहाँ हुआ करता था, पर हम लोगों ने इसका यूज़ कर करके हम लोगों ने इसे क्या कर दिया, ग्राउंड वाटर का जो बेस था वो नीचे जाता जा रहा है. हम बोलते ना जो पानी है वो नीचे जा रहा है, पानी नीचे किस तरीके से जा रहा है, आप लोग ऊपर से, आप लोग इन द सेंस हम सभी उसे यूज़ करते जाते हैं, हम लोग ज़मीन से पानी निकालते जा रहे हैं, मिस यूज़ कर लिए जा रहे हैं, तो जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो नीचे जाता जा रहा है. So, we will again start from the fourth line. Also, continuous use of groundwater for tube well irrigation has reduced the water table below the ground. We have seen this line in the next slide. So, environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over many years. तो ये जो चीज़ें हैं, means जो हमारे environmental resources हैं, soil fertility, जो मिट्टी की गुणवत्ता है, और जो ग्राउंड वाटर, हमारा जो ज़मीन के अंदर पानी, वो दो दिन में तो बन नहीं गया, उसे बनने में सालों लगे हैं, और हम क्या करते हैं, उन्हें चुटकी भर में ही, मतलब कुछ सालों में ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं.
वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर देम. एक बार अगर जो पानी है वो नीचे चला जाता है या फिर सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देती है तो बहुत मुश्किल है इन सब चीज़ों को वापस उसी पोजिशन में लाना. वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर. तो हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें इन चीज़ों का बहुत ही समझदारी से यूज़ में लेना है ताकि ये आगे आने वाले फ्यूचर के लिए भी बच सके. आजकल हम लोग सेव वाटर के टैगलाइन क्यों बोल रहे हैं, हम लोग पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, ताकि जो आगे आने वाली जनरेशन है वो एटलीस्ट इस पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में तो ब्रीद नहीं करे, उन्हें भी एकदम साफ एनवायरनमेंट, एकदम नीट एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जिससे वे इनहेल कर सके. पॉल्यूशन कितना बढ़ रहा है, पानी की हम लोग यूज़ ढंग से करते नहीं हैं, तो ऐसा ना हो कि आगे आने वाली जनरेशन जो हमने देखा है वो देख ही ना पाए. दैट्स फाइन. सो नेक्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर फोर्थ पॉइंट. हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. सो जो लैंड थी वो बटी हुई कैसी थी. यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग. बिल्कुल हमें पता है फार्मिंग मतलब एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए लैंड बहुत ज़रूरी है. ऑब्वियसली हम लोग ज़मीन पर ही तो सब कुछ उगाते हैं. अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशेंट लैंड फॉर कल्टिवेशन. इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज़ आर लैंडलेस. सो 450 फैमिलीज़ रहती है, हम लोगों ने ये फर्स्ट पेज और इंट्रोडक्शन पार्ट में ही पढ़ लिया था. तो 450 फैमिलीज़ में से 1/3 फैमिली के पास तो ज़मीन ही नहीं है, वो लैंडलेस हैं. 150 फैमिलीज़, मोस्ट ऑफ देम दलित्स, हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन. 150 फैमिलीज है जिनके पास लैंड नहीं है और उनमें से भी अधिकतर दलित हैं, उनके पास बिल्कुल कोई लैंड नहीं है कल्टिवेशन करने के लिए. नाउ ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज जो बच गई हैं हु ओन लैंड, 250 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस दैन 2 hectares इन साइज. कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली. अब कुछों के पास ज़मीन नहीं है, कुछ के पास है भी तो वो इतनी कम है कि वो खुद का गुजारा कर ले, उसके बाद तो वो उस चीज़ को बेचे, तो इनकम उतनी ज़्यादा हो नहीं पाती है फार्मर्स की उन ज़मीनों से. Now we will discuss about this diagram. This diagram shows the Palampur village distribution of cultivated land. So हम लोग यहाँ पर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं. आई विल मिनिमाइज दिस. सो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन देखने में हम लोग ये देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है, सॉरी फॉर दैट, ये जो पर्टिकुलर एरिया है और ये, मान लिया ये वाला एरिया और ये वाले, सॉरी ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर मान लेते हैं, तो इस पूरे एरिया में कोई एक किसान, मतलब ये पूरी किसी एक किसान की ज़मीन है और ये पूरी लैंड सरफेस कितने सारे पार्ट्स में बटी हुई है. सो ये क्या है, हमने यहाँ पर कुछ और उगाया इस तरीके से एक लैंड सरफेस. और अगर हम इसे काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर तो इस रो में एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो 24 पार्ट्स में ये छोटी सी लैंड सरफेस एरिया डिवाइडेड है. वहीं ये पूरा लैंड सरफेस एरिया, इस पर एक ही टाइप की खेती होगी, तो यहाँ पर सॉइल की फर्टिलिटी और यहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होगा. सो ये पूरा अगर लैंड सरफेस एरिया मान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का है, कल्टिवेटेड लैंड का है, तो हमने देखेंगे कितने पार्ट्स में बटा हुआ है ये. Now we will discuss this example. In 1960, Gobind was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land. So Gobind एक farmer थे, उनके पास 2.25 hectare एक unirrigated land थी, मतलब उस पर वो खेती नहीं करते थे. With the help of his 3 sons, Gobind cultivated द लैंड. उनके 3 बच्चों की मदद से वो कल्टिवेट कर रहे हैं अपनी लैंड को. थ्रू दे डिडंट लिव वेरी कम्फर्टेबली. नाउ अब इतनी सी ज़मीन है एंड उतनी सी ज़मीन में 3 बच्चे हैं उनके, और कम्फर्टेबली मीन्स कि उनका गुजारा अच्छे से नहीं चल रहा था इतनी सी लैंड में. नाउ द फैमिली मैनेज्ड
to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. Now, इतनी सी ज़मीन में से जो भी उगता था बड़ी मुश्किल से वो लोग खुद के लिए थोड़ा बहुत खाना रख पाते थे. खाना इन द सेंस कि बहुत मुश्किल से उनका गुजारा चल रहा था. उनके पास एक बफेलो भी थी जिसे एक तरीके से पालतू जानवर उनका बोल सकते हैं. सम ईयर्स आफ्टर गोबिंद्स डेथ, अब कुछ साल बाद जब गोबिंद की डेथ हो जाती है, दिस लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग हिज थ्री सन्स. और इंडियन कल्चर में जो पैसे जो भी प्रॉपर्टी होती है वो लड़कों में या फिर वो बच्चों में डिवाइडेड होती है. सो उनके तीन बेटों में उनकी 2.25 हेक्टेयर जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइड कर दी जाती है. ईच वन नाउ हैज़ अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज़ ओनली 0.75 हेक्टेयर इन साइज. तो क्या हो गया, जो ये इतनी बड़ी साइज़ थी अब वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गई. तो इतनी बड़ी साइज़ 2.25 हेक्टेयर को इन लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड करके कितना बना दिया, 0.75 हेक्टेयर इन साइज. इवन विद इम्प्रूव्ड इरीगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड गोबिंद सन आर नॉट एबल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम देयर लैंड. अब भले कुछ भी कर लो, आप पेस्टिसाइड यूज़ कर लो या फिर पुराने तरीके अपना लो, वो लोग भी उस ज़मीन से एनफ इनकम उनको नहीं हो रही थी. दे हैव लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर. और खेती करने के साथ साथ उन्हें कुछ और काम भी करने पड़े थे, पार्ट टाइम जॉब जिसे बोलते हैं वैसा. तो लैंड सरफेस एरिया पहले ठीक ठाक सी थी, उससे भी उनका गुजारा नहीं हो रहा था. तो उन्होंने उसको, मतलब गोविंद की डेथ के बाद, उसको और पार्ट में डिवाइड करते तो बिल्कुल भी अच्छे से गुजारा नहीं हो पा रहा था. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है पालमपुर विलेज में. नाउ यू कैन सी, वी विल रीड नाउ दिस पैराग्राफ. यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर. वी हैव सीन दैट अर्लियर. दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स. ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज. हियर वी कैन सी दैट यहाँ पर बड़े बड़े प्लॉट्स हैं और यहाँ पर छोटे छोटे फार्मर्स के डिवाइडेड प्लॉट्स हैं. Now in Palampur there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. A few of the large farmers have land extending over 10 hectares most. तो यहाँ पर डिवाइडेशन बताइए, किसी की बहुत बड़ी ज़मीन है, किसी की छोटी छोटी ज़मीन से. Now we will move forward to this pie chart, pie diagram. So in this pie diagram we can see that the distribution of cultivated area and farmers. So cultivated area 36% and 64%, sorry, यहाँ पर दो कलर्स आपको शो किए गए हैं, दिस कलर एंड येलो कलर. सो ये कलर शो कर रहा है स्मॉल फार्मर्स का एंड येलो कलर शो कर रहा है मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स का. तो यहाँ पर दो डायग्राम है, एक कल्टिवेटेड एरिया का है. सो कल्टिवेटेड एरिया में स्मॉल फार्मर्स की पॉपुलेशन 36% है और मीडियम फार्मर्स की 64% है. वहीं हम नंबर्स ऑफ फार्मर्स की बात करें तो नंबर्स ऑफ फार्मर्स की 80% स्मॉल फार्मर्स है एंड 20% मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स की पॉपुलेशन है यहाँ पर. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू पॉइंट नंबर 5, हु विल प्रोवाइड द लेबर. नाउ ज़मीन है, बड़े बड़े खेत हैं, कहीं छोटे खेत हैं भाई. तो बड़े खेतों में जो किसान है वो क्या करता है, लेबर को मंगवा लेते हैं या फिर जिनके पास जॉब नहीं होती, जिनके पास लैंड नहीं होता, वो उनकी कल्टिवेटेड लैंड में काम करते हैं. मीन्स एज अ फार्मर काम करेंगे हम किसी दूसरे की ज़मीन पर. आफ्टर लैंड लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन. ठीक है भाई, ज़मीन हो गई हमारे पास, ज़मीन पर हम लोगों को कल्टिवेट करना है. ज़मीन के बाद हम कल्टिवेट कौन करेगा, वो होंगे लेबर. फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क. बिल्कुल, बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है. सीजन्स निकल जाते हैं एक अच्छी फसल के लिए, तो जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं. आपकी थाली में एक टाइम का आप मील खाते हो तो उसमें एक किसान की बहुत महीनों की मेहनत होती है. हम दाल खाते हैं, दाल में उनकी कितनी मेहनत होती है. आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, राइस, सो भी चीज़ें खाते हैं आप, उन फार्मर्स की कड़ी मेहनत होती है जो कि हम लोग डेली लाइफ में कंज्यूम कर रहे हैं.
Small farmers along with their families cultivate their own field. Thus they provide the labor required for farming themselves. अब जो छोटे छोटे farmers होते हैं वो खुद ही अपने खेत में काम कर लेते हैं, वो दूसरों को या दूसरों को बुलाते नहीं हैं कि आप हमारे खेत पर काम करो, क्योंकि उनको देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, तो खुद काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली से काम करवा रहे हैं या फिर काम उनकी फैमिली उनकी हेल्प के लिए कर रही है. दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स. मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड. अब जिनके पास पैसा है, जिनके पास ज़मीन है, वो क्या करते हैं, फार्मर्स को हायर करते हैं, मीन्स उन्हें रेंट पे लेते हैं कि आप हमारी ज़मीन पर काम करिए और हम आपको उसके बदले पैसे देंगे. Now, farm laborers come either from landless families or families cultivating small plots of land. अब जो काम करने उनकी ज़मीन पर आ रहे हैं तो वो कौन होते हैं, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती या फिर जिनके पास छोटे प्लॉट्स होते हैं और वो दूसरा काम, हमने बोला था ना पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो खुद की ज़मीन पर काम कर रहे हैं, दूसरे की ज़मीन पर भी काम कर रहे हैं एक तरीके से. अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड. अब ऐसा नहीं है कि आपने हेल्प करा दी उनकी तो उस उगी हुई कल्टिवेटेड लैंड पे या कल्टिवेटेड क्रॉप पे आपका हक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं. उनका काम बस हेल्प कराना है, उसके बदले पैसे लेना है और फिर चले जाना है. इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स फॉर होम दे वर्क. बिल्कुल वही बात अभी एक्सप्लेन हुई है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ वेजेस मीन्स एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी पे किया जाता है उसके बदले. वेजेस कैन बी कैन बी इन कैश और इन काइंड, और मतलब या तो उन्हें पैसे दे दिए जाते हैं या फिर हम बोलते हैं कि आपको इतनी क्रॉप दे दिया जाएगा, मीन्स वो उनका एक अमाउंट है, पैसे के बदले आपको क्रॉप दे दिया. समटाइम्स लेबर्स गेट मील्स ऑल्सो, नहीं तो टाइम एक टाइम का खाना दे दिया. जैसे किसी के घर में सर्वेंट रहता है तो वो फुल टाइम अगर फुल डे रहता है तो हम बोलते हैं कि आप हमारे घर पर रहो, खाना पीना आपका यहीं पर होगा, तो उसी तरीके से यहाँ पर है. वेजेस वेराइड वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग. अब जो वेजेज है वो जो पैसे दिए जाते हैं, जरूरी नहीं हर जगह एक जैसे दिए जाएँ, हर जगह 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 फार्म टू फार्म एंड लेबर्स टू लेबर्स एंड क्रॉप टू क्रॉप ये बदलते रहते हैं. देयर इज़ ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अ फार्म लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस और फॉर द पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर. या तो उन्हें कुछ दिन के लिए रखा जा सकता है या फिर उन्हें एक साल के लिए या फिर उन्हें खुदाई के लिए या फिर पौधे लगाने के लिए, कोई भी उन्हें काम कितने टाइम के लिए भी दिया जा सकता है. नाउ हेयर इज़ द एग्जाम्पल एंड दिस एग्जाम्पल वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. दैट्स इट फॉर नाउ. थैंक यू.